खबर है इस वक्त रीवा से, जहां रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में बिजली की समस्या से जूझ रहे ग्रामीण आज जिले के मुख्य अभियंता कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों को न सिर्फ अपनी समस्याओं से अवगत कराया है बल्कि उन्हें चेताते हुए कहा है कि अगर बिजली की समस्या दूर नहीं हुई तो वह आंदोलन करने को मजबूर होंगे। दरअसल बिजली समस्या का यह मामला बैकुंठपुर विद्युत वितरण केंद्र का बताया जा रहा है, जहां आए दिन हो रही बिजली की कटौती सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर आज सिरमौर क्षेत्र के आधा सैकड़ा ग्रामीण कांग्रेस नेता के नेतृत्व में जिले के मुख्य अभियंता कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि वह आए दिन होने वाली बिजली की कटौती से परेशान है। ग्रामीणों ने 6 सूत्री मांगों का ज्ञापन मुख्य अभियंता के नाम सौंपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निदान नहीं किया जाता तो वह आंदोलन करने को मजबूर होंगे। तो आइए जानते हैं क्या है ग्रामीणों की समस्या। देखिए, आज सिरमौर विधानसभा के सिरमौर और बैकुंठपुर और समूचे सिरमौर विधानसभा में हमारे क्षेत्र के किसानों को विद्युत संबंधित जो समस्याएं आ रही हैं उस संबंध में हम लोग मुख्यमंत्री को आज एक ज्ञापन सौंपे हैं, जिसमें क्षेत्र के जले हुए ट्रांसफार्मर, खराब विद्युत लाइनें और विद्युत बिल संबंधी जो समस्याएं आ रही हैं उनमें हमने चर्चा करी है उनसे, मुख्य अभियंता से, और अपना ज्ञापन पत्र उनको सौंपा है। और हम सबको कहा गया है कि आपकी समस्याओं का जल्द ही विभाग निपटारा करेगा और हम सबको आश्वस्त किया गया है कि जल्द से जल्द इसमें प्रभावी कार्रवाई होगी, और जल्द से जल्द अगर प्रभावी कार्रवाई नहीं होती है तो हम समूचे क्षेत्र की जनता जनार्दन किसान भाइयों को साथ में लेकर हम लोग विद्युत विभाग के खिलाफ आवश्यक कदम उठाएंगे, आंदोलन प्रदर्शन भी कर सकते हैं। देखिए, ये केवल हमारे सिरमौर क्षेत्र और हम जितने गांव से आए हैं उतनों की समस्या नहीं है, ये पूरे जिले की समस्या है कि बिजली की कटौती हो रही है। अभी यहाँ ऐसे ही साहब ने कहा, मुख्य अभियंता महोदय ने, कि कटौती कहीं नहीं हो रही है। मेरा कहना है अगर कटौती नहीं हो रही है और बिजली रात के चली गई तो सुबह क्यों आती है? रीवा में तो बिजली जाती तो 1 घंटे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जाती है, 10 मिनट 20 मिनट। अगर कटौती नहीं हो रही है तो गांव में बिजली क्यों नहीं रहती, ये जानने का अधिकार जनता को है। और अगर जल्दी से शीघ्र व्यवस्था नहीं हुई, क्योंकि यहाँ तो सिविल लाइन में अधिकारी रहते हैं, यहाँ नेता भी रहते हैं सिविल लाइन में, गिरीश गौतम विधानसभा अध्यक्ष इसलिए रहते हैं कि वहाँ सारी सुविधाएं हैं, वो जनता को सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि जनता के टैक्स से ही ये सब तनख्वाह पाते हैं। आज मैंने बात किया है, मुख्यमंत्री कल आ रहे हैं, तो गुड़ क्षेत्र के कई लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे, अगर ये जल्दी से जल्दी नहीं होता, क्योंकि हमको रोपा लगाई है, अभी मैंने बताया कि बरसात का टाइम है, अंधेरे में सांप और बिच्छू घुस जाते हैं, पानी पीने को नहीं रहता, तो अगर व्यवस्था जल्दी नहीं होती, सुधार नहीं होता जो इनके स्तर पर है, नहीं है ये गौरमुख को लिखे, तो अगली बार कई गांवों के लोग यहां आएंगे, वो तब जाएंगे जब सुधार हो जाएगा, धरना दिया जाएगा।